हेलो नमस्कार, मैं मुदित कर बोल रहा हूँ इंटेलीफाई की तरफ से। आज हम डिस्कस करेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की एक प्रॉब्लम। तो आइए देखते हैं। तो ये प्रॉब्लम है वाटर सप्लाई सिस्टम के ऊपर। आपने लोगों ने आप बच्चों ने अपने घर के आसपास ही वाटर टैंक देखा होगा ज़रूर से, इसे हम वाटर टैंक टावर बोलते हैं। और क्वेश्चन इस पर ही है आज। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं हम। इसका स्ट्रक्चर यहाँ पर दे रखा है, ये देखिए। तो स्ट्रक्चर को हम ऐसा अज्यूम कर सकते हैं कि स्ट्रक्चर के एक जो है बीच पार्ट में एक सिलेंडर है। उस सिलेंडर की हाइट हमने एच मान रखी है, उसका रेडियस आर है। इस सिलेंडर के ऊपर एक हेमिस्फीयर रख रखा है हमने, डोम टाइप का, इसकी जिसका रेडियस भी आर है। और इस सिलेंडर के जस्ट नीचे ये वाला जो पार्ट है इसको हम बोल रहे हैं कट कोन। कट कोन के बारे में हमने यहाँ लिख रखा है, द कोन। इस कट कोन का यहाँ मतलब है कि एक कोन लिया हमने, उसे हमने हॉरिजॉन्टली बेस के हॉरिजॉन्टली यहाँ से काट दिया। ये कोन दे रखा है एच हाइट का और आर रेडियस का, इसको हमने बीच से काट दिया है। कोन इस तरह काटा गया है कि इसका जो बचा हुआ कोन है, जो कोन कट चुका है, उसका जो वॉल्यूम है वो ओरिजिनल कोन का आधा हो चुका है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि द कोन इज कट हॉरिजॉन्टली सच दैट द वॉल्यूम ऑफ कोन कट कोन बिकम्स हाफ ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द ओरिजिनल कोन। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रक्चर था वाटर टैंक का। आगे देखते हैं हम। यहाँ पर आर एच को हम 6 मीटर मालेंगे ताकि आगे सॉल्व कर सकें क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है वॉट इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर टैंक। तो 4 ऑप्शन है हमारे पास, आगे देखते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस पूरे वाटर टैंक का जो वॉल्यूम होगा वो इस हेमिस्फेरिकल पार्ट, इस सिलेंड्रिकल पार्ट और इस कट कोन पार्ट के वॉल्यूम के बराबर होगा। तो इन तीनों वॉल्यूम का हम ऐड कर देंगे। आगे देखते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का आप फॉर्मूला जानते ही हैं कि इसका रेडियस आर है और इसकी हाइट एच है, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर जो है, हेमिस्फेयर का वॉल्यूम एक पूरे स्फेयर के वॉल्यूम का आधा होता है, तो वो हो जाएगा हाफ ऑफ 4/3 पाई आर क्यूब, यानी 2/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ कट कोन जो है वो हमने क्वेश्चन में ही बता रखा है कि जो कट कोन का जो वॉल्यूम है वो जिस कोन से कट कर आया है उसका आधा है, यानी जो अनकट कोन है, जो कोन नहीं कटा हुआ है, उसका वॉल्यूम तो हम जानते हैं होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि इसके हाइट एच है और रेडियस आर है। इसका आधा कर देंगे हम तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ अनकट कोन आ जाएगा। इन तीनों वॉल्यूम को हम जब ऐड कर देंगे तो हमारे पास नेट वॉल्यूम आ जाएगा, जो कि यहाँ पर है 396 पाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अगर इनिशियल ये वाटर टैंक खाली है और मान लो इसमें एक नल लगा हुआ है जिससे पानी इस टैंक को हम भरते हैं, उसका जो नल में से जो पानी फ्लो रेट है वो पानी का फ्लो रेट है 4.4 पाई मीटर क्यूब पर मिनट, यानी 4.4 पाई मीटर क्यूब जो वॉल्यूम है वो एक मिनट में इस टैंक के अंदर भरता है पानी। तो क्वेश्चन है कि कितना टाइम लगेगा कि ये टैंक जो है आधा भर जाए। सॉल्यूशन देखते हैं। तो हमने टोटल वॉल्यूम कैलकुलेट कर ही लिया है टैंक का, जो कि ये है, और जो वाटर फ्लो रेट है वो ये दे रखा है। जो तो टाइम जो होगा इस टैंक को आधा फिल करने के लिए वो होगा इस पूरे टैंक का हाफ वॉल्यूम डिवाइड बाय टैंक फिलिंग रेट। तो हाफ वॉल्यूम जो है उस नेट वॉल्यूम का आधा होगा, जो कि ये है, और उसे हम डिवाइड बाय फ्लो रेट कर देंगे। तो यहाँ से हमें टोटल टाइम आ जाएगा, यहाँ पर टोटल टाइम 45 मिनट्स है। उसे आर को मैं कन्वर्ट करें तो ये 3/4 ऑफ आर होगा, यानी 3/4 ऑफ 60 मिनट। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन बेसिकली यही है कि पेंट का कॉस्ट दे रखा है हमें। पेंट का कॉस्ट अगर 200 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर है तो पूछ रहे हैं कि पूरे वाटर टैंक को पेंट करने में कितना कॉस्ट लगेगा। इसलिए अब हमें तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें ये जानना होगा कि पूरे वाटर टैंक का सरफेस एरिया क्या है। नेट सरफेस एरिया नेट कैलकुलेट करने के लिए हमें
देख सकते हैं कि हमारे पास एक हेमिस्फेरिकल रीजन है, सिलेंड्रिकल रीजन है और एक कट कोन रीजन है। तो हेमिस्फेरिकल रीजन का जो ऊपर वाला पार्ट है उसका सरफेस एरिया हम निकालेंगे, यानी हेमिस्फेयर विदाउट फ्लैट सरफेस उसका एरिया निकालेंगे सरफेस एरिया, और फिर हम लेटरल सरफेस ऑफ सिलेंडर निकालेंगे, और फिर उसके बाद हम निकालेंगे ये वाला एरिया जिसको हम लेटरल सरफेस ऑफ अनकट कोन कह सकते हैं ये वाला एरिया, और इसके साथ इस वाटर टैंक का जो बेस है वो एक सर्कुलर बेस होगा इस तरह। ये कोन जो देख रहे हो आप अनकट कोन है, इसका एरिया प्लस इसका एरिया, और बाकी जो हमने जो हेमिस्फीयर का एरिया है और लेटरल सरफेस ऑफ सेंटर। अब क्वेश्चन में आप जैसे देख सकते हैं कि जो ये वाला जो एरिया है जो मैंने कहा है ये वाला, ये एरिया क्वेश्चन में दे रखा है, ये हमारे पास दे रखा है 106 पाई। और अब हम हेमिस्फेरिकल एरिया को, हेमिस्फेरिकल एरिया जो होगा वो होगा 4πr², जो 4πr² होता है उस स्फीयर का पूरा एरिया होता है उसका हाफ कर देंगे हम तो 2πr², लेटरल सरफेस ऑफ सिलेंडर जाएगा 2πrh, और जो गिवन एरिया है यानी लेटरल सरफेस प्लस ये फ्लैट एरिया वाला एरिया, ये जो हमारे पास 106π दे रखा है, जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे r = h = 6 तो टोटल एरिया निकालेंगे तो आएगा 250π m². तो कॉस्ट जो होगा हमारे पास दे रखा है एक मीटर स्क्वायर का कॉस्ट जो है वो 200 रुपीज़ है, तो 250π का जो कॉस्ट होगा वो होगा दिस इनटू दिस, तो ये आ गया हमारा नेट कॉस्ट। तो यही हमारे 3 क्वेश्चंस थे वाटर टैंक सिस्टम पे। थैंक यू।